हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे करीब करीब 5 से 6 शेयर। तो चलिए यहां पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत ही करेंगे आज के दिन का परफॉर्मेंस, मतलब सेंसेक्स का। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे उछाल नहीं, 0.13% का चेंज, 52.28 की जंप, 41,300 के ऊपर क्लोजिंग। सो चार्ट पैटर्न से भी आप देख सकते हो ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बहुत ही चिल्ड, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आज के दिन का मार्केट सुस्त था, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग निफ्टी का भी आज, अगर निफ्टी 50 का भी चार्ट पैटर्न देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ वे पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे लगभग 0.12% तक की उछाल देखने को मिली, 14 रुपीज़ की जंप, 12,182.50 पी क्लोजिंग। सो नॉर्मल पैटर्न की यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं निफ्टी की भी चाल रही। सो उसी चाल के हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, मतलब निफ्टी 50 में कुल मिला के 50 शेयर आते, उसमें से हम लोग कह सकते हैं 23 शेयर ऐसे जो कि पॉजिटिव रिटर्न दे रहे थे, 27 शेयर ऐसे थे जो कि नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे। पर हम लोग देख लेते कि आज के दिन के टॉप गेनर्स और लूजर कौन थे। सो टॉप गेनर में आप देख सकते हो अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, NTPC, वेदांता एंड इन्फोसिस, ये 5 कंपनियां थे जो कि आज टॉप गेनर्स में आए थे। उसी के साथ साथ टॉप लूजर को भी कवर कर लेते, टाइटन, आयशर मोटर, इंडसइंड बैंक, ONGC एंड जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। सो उसी के रिलेटेड में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि टाइटन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो कि आज के दिन का टॉप लूजर बना है, बहुत सारे लोगों ने डाउट भी पूछे थे, सर इसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस लेवल क्या है, ये हर एक चीज़ को मैंने कवर किया है। तो वो वाला वीडियो आप आखिर में जाके देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोगों ने जैसे कहा कि 5 से 6 शेयर से रिलेटेड बात करने वाले, एंड शुरुआत यहाँ पे मैं करने वाला ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि ऑटो सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनी यहाँ पे उन्होंने अपने आंकड़े दिसंबर के सेल्स यहाँ पे जाहिर कर दिए। मैंने कल भी कहा था आप लोगों की ऑटो सेक्टर के लिए जो ये पहला दिन होने वाला है नए साल का, वो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ऑटो सेक्टर में जो सेल्स थे वो डाउन ही जाने वाले, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन, ऑटो सेक्टर की जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी ले आई थी उसके वजह से जो प्रॉब्लम हुए थे, उसी के कारण ऑटो सेक्टर की जो सेल्स के आंकड़े थे वो एक्सपेक्टेड थे कि खराब ही आएंगे, या फिर जो एस्टिमेट किए गए थे उतने ही आ सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते 60 पॉइंट्स की गिरावट मारुति सुजुकी के शेयर में, 7,300 की क्लोजिंग है। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि मारुति के आज के दिन का परफॉर्मेंस NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ 1 जैन का परफॉर्मेंस। सो आप लोग कह सकते हैं कि 14% तक की बहुत ही नॉमिनल बाइंग आज यहाँ पे हम लोगों को होती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, मारुति के आज के सेल्स के आंकड़े कितने रहे वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब ऊपर से सिर्फ आइडिया लगा लेते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मारुति सुजुकी के जो दिसंबर के आंकड़े, वहाँ पे 3.9% की क्या ग्रोथ देखने को मिल रही, सेल्स राइज हो चुके बट इन अ लाइन विद द एक्सपेक्टेशन, मतलब ग्रोथ तो ज़रूर है बट सभी लोगों को ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन था कि इतना होगा ही। तो आप देख सकते हैं इसीलिए शेयर के प्राइस में कोई ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि मारुति एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक कॉमन पर्सन को हिट करता है। बहुत सारे लोगों की जो फर्स्ट कार होती है वो यूजुअली मारुति सुजुकी ब्रांड से रिलेटेड होती है, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। तो उसी के कारण हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सेल्स में जंप तो ज़रूर हुआ है, लगभग 4% का जंप है, बट वो कैसा था, एज एन एक्सपेक्टेड था, तो ज़्यादा कोई यहाँ पे हम लोगों को मारुति में उछाल आते हुए देखने को नहीं मिला। बट ये एक ज़रूर अच्छा संकेत है कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मारुति के सेल्स में ये जंप और भी अप साइड में जाते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मारुति के शेयर को हम लोगों ने कवर कर लिया, अभी हम लोग आ जाते हैं HDFC ग्रुप से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली शेयर, एंड जिसका नाम है HDFC AMC। आज तो 28 रुपये ये डाउन था, 3,171 पी यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, सर ये वापस 2,800 तक कब आने वाला है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक डीप में वीडियो बना दिया था। HDFC AMC एंड डीमार्ट, ये एक ऐसे स्टॉक्स है जो कि आप लोगों को इस साल में नीचे आते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट ये कब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऑफर फॉर सेल, मतलब इनके ही प्रमोटर्स कब अपने शेयर को सेल करेंगे एंड कब वो मौका मिलेगा वो हम लोग कह नहीं सकते। बट डीमार्ट का जो टाइमलाइन है वो डेफिनेटली 31 मार्च 2020 तक है, तो डीमार्ट से रिलेटेड 2020 हम लोग डेडलाइन ऐसे पकड़ के चल सकते हैं। बट ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि 3,800 का इसने हाई लगाया था, एंड फिलहाल अभी भी शेयर हम लोगों को 700 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली कम सस्ता मिल रहा है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो यहाँ पे 1-2 क्वांटिटी तो ज़रूर खरीद के रख सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये शेयर भागते तो बहुत ही तेज़ भागते, एंड ये कोई 3,800 के इसका ये लाइफ टाइम का हाई नहीं हुआ, मतलब ये डेफिनेटली आगे फ्यूचर में 3,800 को तोड़ेगा, 4,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, 10,000 भी जाएगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। सो जिन लोगों को लॉन्ग टर्म का नज़रिया है वो चाहे तो किसी भी लेवल पे खरीदे, HDFC ग्रुप के सारे शेयर बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग रहते हैं। सो उसी के कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे एंड आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे
जहाँ पे आप देख सकते 30% तक की बाइंग यहाँ पे HDFC AMC में हो रही है। सो उसी के साथ साथ इसका 52 एक हाई भी अगर आप देखोगे तो 3800 के ऊपर 3850 का इसका अप्रॉक्सीमेटली 52 एक हाई है। तो यही बताना चाहता हूँ ये लेवल कभी ना कभी टूटेगा, तो इस लेवल पे भी अगर आप बाय करते हो तो 700 रुपया स्टॉक आपको सस्ता मिलेगा। पर सर ये और नीचे आ गया तो 2500 के आ गया, तो 2500 पे आ गया तो आपको क्वांटिटी और बढ़ानी है। बट आप शुरुआत करने के लिए एक क्वांटिटी तो खरीद सकते हो, दो क्वांटिटी तो खरीद सकते हो, जितना मिनिमम हो सके। अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर और भी गिरावट का हकदार है तो डेफिनेटली आप अपना निवेश कम रख सकते हो, और जब भी ये गिरावट होती चली जाएगी आप अपनी स्टेक बढ़ा सकते हो। सो यही एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो अगर आप फॉलो करोगे तो किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में आप अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे पाओगे। सो शेयर तो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों ने जरूर इसको होल्ड रखना चाहिए। सो उसके बाद और एक शेयर है जो कि ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप देखोगे तो इसके सेल्स में आज हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है, बट चार्ट पैटर्न देखोगे तो 5.5 हम लोग कह सकते हैं रुपये का ये जंप है, 1% से ज़्यादा की जंप है। ऐसे कैसे, तो आप सभी लोगों को पता है कि एक्सपेक्ट किया गया था उससे अच्छा आंकड़े इसने बता दिए। मतलब अगर एक्सपेक्टेशन में बताया गया था, जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये ओरिजिनल आंकड़े नहीं है, कि ये 10% के इनके सेल्स अफेक्ट होने वाले हैं, बट एक्चुअल में अफेक्ट हो गए सिर्फ 8%। तो ये रिजल्ट कैसा है, अच्छा है, क्योंकि 10% कहा था गिरेगा बट 8% की गिरावट हुई। सो इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं इसके दिसंबर के सेल्स के आंकड़े एज पर द एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छा है, जो कि स्ट्रीट एस्टिमेट हम लोग उसको बोलते हैं, एंड उसी का रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक आज 1% अप था, 536.95 पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिए। एंड ऑटो सेक्टर अगर हम लोग कह सकते हैं ये सुधार दिखाना शुरू कर रहे हैं। अगर आप मारुति भी देखोगे तो वहाँ पे जंप देखने को मिली, 4% की जंप। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खराब रिजल्ट आएंगे, बट रिजल्ट तो एज पर द एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ही आए। सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑटो सेक्टर जो अपना बुरा दौर चल रहा था वहाँ से उभरते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर M&M की आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन भी यहाँ पे लगभग 12% लोगों ने इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। ओवरऑल ऑटो सेक्टर को हील करने के लिए और भी समय लगने वाला है, क्योंकि Q3 के रिजल्ट, Q4 के रिजल्ट ये भी पेनफुली जाने वाला है। सो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए, ये एक ही सलाह काम आ सकती है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने ओपन किया है, वो है PSU सेक्टर से जुड़ा हुआ, फिलहाल तो ये PSU है, BPCL। BPCL में मैंने बीच में एक डिटेल वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि ये शेयर में गिरावट आ सकती है, एंड ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इनका जो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाने वाला था, वो चीज़ है, वो शायद से वो डील है वो 31 मार्च के बाद हम लोगों को देखने को मिल सकती है। मतलब निर्मला सीतारामन जी ने यह कहा था कि एयर इंडिया एंड BPCL का डाइवेस्टमेंट है वो हम लोग 31 मार्च तक कर देंगे, बट ऐसा अभी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड इसका ही एक कॉन्ट्रा न्यूज़ सामने आया था कि ऑफर फॉर सेल के द्वारा कंपनी यहाँ पे पैसा पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है, जो कि ये बताती है कि BPCL की जो डाइवेस्टमेंट है उसको और भी देरी हो सकती है। सो इसी के कारण अगर आप 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि BPCL का शेयर जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था वो अभी बीच में वापस नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूंगा, ये न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड है कि अगर ये न्यूज़ इनके फेवर में आ जाती तो डेफिनेटली यहाँ पे वापस एक शेयर में जंप दिखाई जाएगा। बट फिलहाल आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग सिर्फ 12% की अभी बाइंग हो रही है। पहले ये परसेंटेज बहुत ही हाई होता था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अगर ये डाइवेस्टमेंट हो जाता है तो ये शेयर में बहुत ही अच्छी खासी जंप आएगी, जो ये शेयर को 600-700 तक लेके जा सकती है। फिलहाल तो न्यूज़ के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए, जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। सो BPCL के बाद ही और एक शेयर है दोस्तों जिन्हें इसने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक सुस्त मार्केट था बट उससे भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका 1400 का लेवल एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जहाँ पे इसको क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी, वापस इसने क्रॉस किया एंड उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। 1.31% की जंप है, 18 पॉइंट्स की जंप ऐसे भी बोल सकते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री, ये स्टॉक आप सभी लोगों को पता है कि मोनोपोली वाला स्टॉक है, क्योंकि ये तो केमिकल सेक्टर से है, बट जो स्पेशलिटी इसमें जो ग्लू, फेविकॉल्स, फेविस्टिक जो आप सभी लोगों ने देखा है, उसका जो कॉम्पिटिटर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, एंड इसीलिए इस कंपनी को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है। सो आज के दिन भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन की बाइंग में 34% यहाँ पे लोगों ने, लगभग 35% लोगों ने बाय किया है, एंड निफ्टी 50 में शायद से ये शेयर एक बहुत ही स्ट्रांग दावेदार बन चुका है, जो कि निफ्टी 50 में आते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सो ये शेयर आपने ज़रूर होल्ड करना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका 52 का हाई है वो लगभग 1493 है, मतलब 1500 का इसका हाई वो शायद से यहाँ पे तोड़ते हुए भी हम लोगों को कुछ समय में देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 50 में इसको जगह मिलती है तो ये डेफिनेटली 110% ये अपना हाई नया तोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों उसी के साथ साथ एक आखिरी शेयर के ऊपर आ जाते हैं, जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी कंसिस्टेंटली ये स्टॉक भाग रहा है। अगर मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आपके सामने रख दूँ
सो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है, एक महीने का चार्ट पैटर्न, एक साल का चार्ट पैटर्न, अगर पाँच साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो रॉकेट की तरह भाग रहा है दोस्तों। एंड आप सभी लोगों को पता है ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक थे, बट इतना ज़बरदस्त नहीं, मतलब अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें तो रिजल्ट इतने खास नहीं, बट फिर भी इस कंपनी में इतनी ज़बरदस्त रफ्तार इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट से जो न्यूज़ सामने आई उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है जो कि इस शेयर को कंसिस्टेंटली ऊपर लेके चली जा रही है, एंड यहीं पे इसीलिए हम लोगों को ये स्टॉक तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये न्यूज़ तो नॉर्मल है, बट अभी हम लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, एंड उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा कि आप लोगों ने इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो फिलहाल हम लोग यही पे प्राइस तो देख लिया, बहुत ही रॉकेट की तरह भाग रहा है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे आज के दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे, जहाँ पे आप देख सकते 26% लोगों ने ये शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है दोस्तों, कंपनी इन्फॉर्मेशन में भी जाएंगे, कंपनी के रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है जो कि आपके सामने ओपन हो चुके हैं, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़रूर दे रहे हैं। बट दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, एंड वो हम लोगों को देखने को मिलेगा इनके बैलेंस शीट से। सो बैलेंस शीट के अभी अब फिलहाल तो मैंने ओपन कर दी है, जहाँ पे हम लोग मेजरली तीन चीज़ें चेक करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे रिजर्व्स। रिजर्व्स देखोगे दोस्तों पिछले साल 222 करोड़ का लॉस था जो कि इस साल 724 करोड़ का लॉस हो चुका है। दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, 222 and 724 ये बढ़ते हुए नंबर दिख रहे हैं, बट उसके आगे माइनस लिखा है, मतलब ये नंबर जितना बढ़ेगा माइनस में उतना खराब है। सो रिजर्व्स इनके नेगेटिव है, चलिए कोई बात नहीं, रिजर्व्स तो देख लिया। उसी के बाद अगर हम लोग चेकआउट करते हैं इस कंपनी के ऊपर, अगर कर्जे की बात देखेगी दोस्तों तो ये सिक्योर्ड लोन है, एंड सिक्योर्ड लोन देखोगे तो 11,700 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। सो डेफिनेटली कर्जा तो बहुत सारी कंपनी के ऊपर होता है, चलिए ये भी बात ठीक है। अभी हम लोग देख लेते कैश एंड बैंक बैलेंस, वो भी एक बार चेक ही कर लेते। सो कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस जो पिछले साल 450 करोड़ का था वो इस साल 3.5 करोड़ का हो चुका है, मतलब नीचे आ रहा है। सो बैलेंस शीट इतना खास नहीं लग रही है, रिजर्व्स नेगेटिव है, डेब्ट बहुत ही है, 11,500 करोड़ का डेब्ट है। कैश एंड बैंक बैलेंस अगर आप देखोगे तो ये नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों ये भी फैक्टर एक बार हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हम लोग और भी आगे जाएंगे। एंड डेंजरस चीज़ है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे प्रमोटर्स के पास 74% के शेयर्स है, एंड वही चीज़ अगर हम लोग नीचे जाके चेकआउट करते हैं दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे देख सकते लगभग 40% से ज़्यादा के शेयर्स, एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चेक करें और किधर में नहीं दिखा रहा हूँ आपको, 40% से ज़्यादा के शेयर, 42% के शेयर प्रमोटर ने क्या किए यहाँ पे गिरवी रखे हुए। सो डेफिनेटली दोस्तों हम लोगों ने सिक्योर्ड लोन तो वहाँ पे देख लिया, सो शायद से उस सिक्योर्ड लोन में से कुछ पोर्सन यहाँ पे जो सिक्योरिटी बताई है वो प्रमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी रख के बताई हुई है। सो डेफिनेटली शेयर तो कंसिस्टेंटली भाग रहा है, प्राइजिंग के मूवमेंट्स के हिसाब से हम लोग कह सकते कि ये शेयर और भी तेज़ हो सकता है, बट ऐसे शेयर में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहूँगा, भले मैं यहाँ पे मुझे नेशनल लॉस हो जाए तो भी। हमेशा अच्छा है दोस्तों कि नेशनल लॉस हो जाए, बट एक्चुअल लॉस हमेशा महंगा होता है। नेशनल लॉस मतलब आज ये शेयर हम लोगों को देखने को मिल रहा है 170 के आसपास, डेफिनेटली 170 के आसपास देखने को मिल रहा है, शायद से कल 3,000 का भी हो जाए, बाद में ऐसा पछतावा हो जाएगा, अरे काश मैं ले लेता तो मुझे इतना इतना प्रॉफिट होता, उसको बोलते हैं नोशनल लॉस। एक्चुअल में तो आपको वो कमाने का मौका था बट आपने नहीं लिया, बट अगर ये शेयर यहाँ से गिर गया तो, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स जो हम लोगों ने चेक किए, बैलेंस शीट देख लिए, प्रमोटर्स की प्लेजिंग देख लिए, तो ये संकेत ज़रूर देता है कि यहाँ पे मुझे नहीं रहना चाहिए, मेरा मन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि इस शेयर में मुझे निवेश होना चाहिए। अगर ये न्यूज़ के हिसाब से दौड़ रहा है जो कि अच्छी खासी बात है, बट फंडामेंटल के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से इस स्टॉक पे मैं तो मुझे खुद को मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोगों ने एंड मैंने भी इस शेयर से दूर ही रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिए वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। सो फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूँगा कि जो शेयर सिलेक्ट करते वक्त मैं पैरामीटर्स चेक करता हूँ उसमें ये स्टॉक नहीं बैठता है, चाहे वो स्टॉक कितना भी महंगा हो जाए बाद में, फिर भी मैं हैप्पी ही रहूँगा, क्योंकि एज पर द माय एनालिसिस इस स्टॉक में फिलहाल तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स प्लेजिंग अगर आपने देख भी ली, कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी के पास इतना खासा अच्छा नहीं है। सो कंपनी अगर कल लोन चुकाते वक्त अगर कुछ 19-20 हो गया, एंड डेफिनेटली अगर कंपनी ने जहाँ से लोन उठाए उनको अगर पैसा नहीं मिला, एंड अगर उन्होंने वो बेच दिए शेयर्स, सो कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट भी आ सकती है, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए, एंड उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे रिस्क भी ले सकते हो, ये कम्प्लीटली आप ही का डिसीजन रहेगा, बट मेरा फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा कि मैं इस शेयर से तो दूर ही रहने वाला हूँ। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।